सैमसंग गैलेक्सी A81। हाँ गाइज, आप लोगों को पता है यहाँ पे सैमसंग का जो A81 है अभी बहुत हाइप पे चल रहा है, मतलब क्योंकि इसकी इतनी लीक्स आ रही हैं। और ये फोन जो है, क्योंकि यार देखो आपको पता है गाइज, यहाँ पे जो मतलब नोट सीरीज है उसमें हमें एस पेन देखने मिलता है, वो बहुत ज्यादा ओवर प्राइस मिलता है। अब यहाँ पे सैमसंग की एक पहली ए सीरीज में पहला स्मार्टफोन होने वाला है जिसमें हमें एस पेन मिलेगा A81 में। तो इस फोन में हम यही बात करने वाले हैं, इसी जो नई लीक्स आई है इसके बारे में बात करेंगे। और वीडियो लेट आ रही है उसके लिए बहुत सॉरी, और जल्दी वीडियो को लाइक भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। और आज का वीडियो यहाँ पे बात कर लेते हैं इस नए सैमसंग के नए फोन के बारे में जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी A81। और आपको पता है A80 आया था जो बहुत बढ़िया फोन मुझे लगा था, मतलब इसी साल आया था, अभी तो दिसंबर ही चल रहा है, तो अच्छा फोन था बट बहुत प्राइस ओवर प्राइस था। पहला बात तो मुझे उसमें सबसे बढ़िया बहुत लगी थी, उसमें पहला फोन था गाइज, मैं आपको बता दूं पहला फोन था जिसमें लाइव वीडियो फोकस मोड मिला था, वो पहला फोन था। हाँ, फिर उसके बाद अपडेट में आए नोट 10, उसमें सब में पहला फोन था वो। और उसके रोटेटिंग कैमरा ने तो और मतलब दिल खुश कर दिया था उस फोन का, तो मतलब मैं दिल खुश हो गया था उस फोन के ऊपर। तो भाई पता नहीं क्या यार, इस बार तो मतलब इतना कुछ इतना अच्छा नहीं किया यहाँ पे जो हमारा सैमसंग ने, प्राइस बहुत ओवर कर दिया था, बट इस बार भी हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें देखने मिलने वाली हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस फोन के यहाँ पे स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो डिजाइन के बारे में बात करता हूँ, तो गाइस देख सकते हैं ये जो लुक है ये सामने लेकर के आए हमारे सामने, और ये फोटो देखकर ये लग रहा है कि इस फोन में हमें ग्लास बॉडी मिलेगी। एंड डिजाइन ओवरऑल इस फोन का जो है वो हमें बहुत बहुत अच्छा देख। अगर बात कर लेता हूँ गाइस, तो यहाँ पे हमें जो है 6.7 इंच का एक फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिलेगा, सुपर एमोलेड पैनल होगा, और ये हमें 4K डिस्प्ले मिलेगा, मतलब क्योर्ड डिस्प्ले, बहुत बढ़िया बात मुझे यहाँ पे पर्सनली लगी। एंड एक और गुड न्यूज सुन लीजिए, यहाँ पे हमें कर्व डिस्प्ले मिलने वाला है, ये बात मुझे और बढ़िया लगी, क्योंकि यार देखिए कर्व डिस्प्ले होता है ना तो और अच्छा लगता है देखने में, तो कर्व डिस्प्ले होता है और अच्छा लगेगा इस बार। तो मतलब S10, S11, मतलब ये जो फोन है आप बोल सकते हैं ज्यादा तक ये आपको थोड़ा कम प्राइस में, ना भी कम नहीं, मतलब थोड़ा कम प्राइस में आपको जो है वो एक्सपेंसिव फोन की फील देने वाला है। तो भाई सैमसंग का एक ये वाला फोन देख लो आप। तो भाई मैं बात कर लेते हैं इस फोन के चिपसेट के बारे में गाइज, अभी यहाँ पे चिपसेट के बारे में लीक नहीं आई है, बट हाँ एक लीक है, मतलब कंफर्म नहीं लीक बता रहा हूँ, वो लीक है कि यहाँ पे बोला जा रहा है इसमें हमें एक्सोनस का 990 वाला चिपसेट भी देखने मिल सकता है जो 5G सपोर्ट करता है। एंड बहुत बढ़िया चिपसेट है एक्सोनस की तरफ से, 990 यानी होता है तो बहुत पावरफुल चिपसेट है ये एक्सोनस की तरफ से, होता है तो बहुत बढ़िया बात रहेगी। बात कर लेते हैं अब यहीं पे इस फोन के कैमराज के बारे में, तो यहाँ पे जो इसका मेन कैमरा होगा वो 108 मेगापिक्सल का कैमरा, और उसके साथ हमें मिल जाएंगे यहाँ पे और 3 कैमराज, तो 4 कैमराज का आपको इस बार सेटअप मिल जाने वाला है। सेल्फी कैमरा बात करता हूँ, सेल्फी यहाँ पे मैंने जिस बताया इसमें सेंटर में पंच होल देखने मिलेगी, तो भाई सेंटर में पंच होल है तो उसमें 32 मेगापिक्सल की हमें सेल्फी चिपका दी गई है, तो बढ़िया है। सेल्फी भी हमें बहुत अच्छा चिपका दी गई है, मतलब अच्छी है 32 मेगापिक्सल की सेल्फी। बात करते हैं वहीं पे बैटरी के बारे में गाइस, इस फोन में हमें 4500 mAh की बैटरी मिलेगी, टाइप सी भी मिलेगा और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलेगा। अभी इस बार अभी यहाँ पे कंफर्म नहीं हुआ है कि इसमें कितने वोल्ट का फास्ट चार्जिंग होगा, मुझे पर्सनली लगता है ज्यादा ही होगा, 30 वोल्ट से तो ज्यादा ही देना चाहिए, क्योंकि यार फोन आप देखते हैं आजकल जो है मतलब 30 वोल्ट हमें रियलमी X2 में मिल रहा है, इतना सस्ते स्मार्टफोन में, तो अभी आपको भी देना जरूरी बनता है। लेट्स सी क्या करता है यहाँ पे। तो वहीं ये बात करते हैं इस यूआई के बारे में, एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स आएगा, 1 UI 2 के साथ ये रन करेगा, ये है पूरा सैमसंग का A81। वहीं पे बात करता हूँ फाइनली प्राइस के बारे में, इस फोन का जो प्राइस है एक्सपेक्ट मत करो कि सस्ता होगा, इस फोन का प्राइस वो ही होने वाला है 40 से 50 हजार रुपए के बीच में, मतलब A80 मैंने बहुत एक्सपेक्ट किया था, प्राइस सही रख दे बहुत अच्छा है, मतलब लेंगे बिकेगा फोन, बिका भी होगा, मगर A80 का प्राइस इतना हाई चले गया कि मैंने सोचा भी नहीं उसकी तरफ। बट A81 इज कमिंग, अब इसका प्राइस क्या होता है ये तो मैंने ऐसे बताया 50 40 हजार। प्लीज सैमसंग से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि सैमसंग प्राइस कम कर लो भाई, प्राइस कम हो जाएगा तो ये फोन बहुत अच्छा चल सकता है, ओवरऑल 30 हजार रुपये के हिसाब से बेटर बहुत अच्छा स्मार्टफोन रहेगा, और ये वन प्लस के फोन को बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन देगा। तो लेट्स सी, मतलब सैमसंग तो किसी की मानता नहीं है, बट ये था मेरा इस वीडियो में बस इसकी ओपिनियन। एंड लॉन्च डेट की बात करता हूँ फाइनली, तो ये अगले ही साल मिलेगा, फरवरी मार्च के माने महीने में आपको मिलने वाला है ये फोन, तो वेट करना चाहें तो आप वेट कर सकते हैं। वैसे मैं तो बोलता हूँ वेट करना ज़्यादा कोई सेंस नहीं है, क्योंकि प्राइस आपको पता है सैमसंग को जितना बोल लो बोल लो बोल लो वो कम प्राइस नहीं करेगा मेरे भाई, तो आप लोग के ऊपर है, आप वेट करना चाहें तो आप वेट कर सकते हैं। और आप लोगों को वीडियो पसंद आई आप वेट करना चाहें वेट करिए, और वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो आप लोग लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे 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 कंटेंट लाते रहते हैं। और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।